सुप्रभात विद्यार्थीगण, आप सभी का अभिनंदन है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा तथा साथ ही आप अपना कार्य भी समय से पूर्ण कर रहे होंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने विषय संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त करी। आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ एक भाषा और व्याकरण पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पाठ एक भाषा और व्याकरण। सर्वप्रथम हम यहाँ आज की दिनांक लिखेंगे जिससे हमें ये बोध हो सके कि हमने पाठ का प्रारंभ किया। पिछली कक्षाओं में आप भाषा के बारे में पढ़ते व जानते आ रहे हैं। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बच्चों, आइए भाषा की उत्पत्ति के बारे में कुछ जाने। जब शुरू से मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वह भाषा के बारे में जानता नहीं था, तब उसे इशारे से ही वह अपने विचारों को प्रकट करता था। फिर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ आवाजें निश्चित वस्तुओं और कामों के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। उसके बाद उसने पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से भाषा बनती गई। जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया, जैसे जैसे चिन्हों का निर्माण होता गया, वैसे वैसे भाषा ने नया रूप ले लिया और आज हम किस रूप में हैं? हम आधुनिक भाषा के रूप में हैं, जिसमें हमें सब कुछ बोध होता है। हर एक शब्द, हर एक बात को कहने के पास हमारे लिए एक वाक्य है, एक शब्द है। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है। केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी आवाज से बातें करते हैं, लेकिन वे भाषा के माध्यम से अपने भावों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। जैसे कुत्ते का भौंकना, चिड़िया का चहचहाना आदि, ये भाषा नहीं है। अगर ये भाषा नहीं है तो फिर भाषा क्या है? हम पढ़ेंगे। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हमारे जो भाव हैं, अगर हमें क्रोध आ रहा है तो हमारी भाषा में क्रोध से युक्त शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमारे वाणी में मिठास है, अगर हम प्रेम से बात कर रहे हैं, तो हमारी भाषा, हमारे शब्दों का प्रयोग भी उसी प्रकार होगा। जैसे हम इस चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, यहाँ दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही है। पहली, परी, आज तो तुमने नए कपड़े, नए जूते और नए रिबन, सब कुछ नए नए पहने हैं, आज कोई खास बात है क्या? मान्या, आज मेरा जन्मदिन है, शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम जरूर आना। ठीक है, यहाँ पर मान्या ने परी से उसके नए कपड़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करी। कैसे? बोलकर। और मान्या ने उसका जवाब कैसे दिया? सुनकर। और यही अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? मौखिक रूप। घर पहुंच के मान्या ने परी के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सा कार्ड बनाया और उस कार्ड पर छोटी सी कविता भी लिखी। लिखी हुई कविता को पढ़कर परी बहुत खुश हुई, मान्या को धन्यवाद दिया। देखिए, पहले तो क्या था? बोलकर और सुनकर। दूसरों में क्या हुआ था? लिखकर और पढ़कर। यहाँ पे मान्या ने लिखा है और परी ने पढ़ा है। तो पहले वाले का रूप क्या था? मौखिक रूप। और दूसरे का रूप क्या था? लिखित रूप। तो भाषा के ये दो मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक किसे कहते हैं? बोलना, सुनना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे हम फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं, गाना सुनते हैं इत्यादि। लिखित रूप क्या है? लिखना और पढ़ना। यह भाषा का कैसा रूप है? लिखित रूप है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल करना, अखबार पढ़ना इत्यादि। हम बोलकर या लिखकर दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। यही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। आगे के प्रश्न पे आएंगे। भाषा के कौशल। देखिए, बहुत ही जरूरी जानकारी है ये। हमें भाषा पता चल गई, भाषा के भेद पता चल गए, अब भाषा के कौशल क्या क्या हैं? भाषा के कौशल है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इन चारों को हम भाषा के कौशल कहते हैं। इनका प्रयोग भाषा के दो रूपों में होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा के विविध रूप। देखिए, पहला है बोली। क्या होता है बोली, विस्तार से पढ़ेंगे।
भाषा के जिस रूप को क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बुंदेलखंडी। उसके अलावा भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी तथा राजस्थानी बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं। बोली और भाषा में अंतर, देखिए भाषा का अपना अलग रूप होता है, बोली का अलग रूप होता है। ये अंतर, ये बहुत ही मुख्य, जिसे कहते हैं बिंदु है, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत मुख्य है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित रहती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य कैसा होता है? लिखित होता है। बोली ज़्यादातर बोलने में काम आ जाती है, तो ये किसका साहित्य होता है? इसका साहित्य मौखिक। और भाषा का साहित्य कैसा होता है? लिखित। बोली की परिभाषा, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। भाषा मेन होती है, मुख्य होती है, और बोली उसका क्या होता है? रूप होता है। भाषा के क्षेत्र, पहले हमारे देश में 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, लेकिन 4 बोलियां बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी को अब भाषा के रूप में मान लिया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितनी भाषाएं हो गई है? 22। पहले कितनी थी? 18। जोड़ा किनको गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी को, और कुल मिलाकर वर्तमान में कितनी हो गई है? 22। यहाँ पर इन सभी 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है, जिसको आप लोग स्वयं पढ़ेंगे। जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, उसी प्रकार विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी देशों को अपनी अपनी विशेष भाषाएं होती है। कुछ देशों की विशेष भाषाओं की के बारे में हम जानेंगे। भारत में क्या बोली जाती है? हिंदी। चीन में क्या बोली जाती है? चीनी। रूस में रूसी। अरब देशों में अरबी। जापान में जापानी। इंग्लैंड में अंग्रेजी और स्पेन में स्पेनिश आदि। अगला बिंदु है लिपि। देखिए बोली मौखिक का भेद है और लिपि लिखित का, जो लिखा जाता है। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया जाता है, इन्हें ही लिपि कहते हैं। ये भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। यदि हम विद्यालय शब्द लिखना हो तो हम लिखेंगे विद्यालय। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? स्कूल। विद्यालय शब्द को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग तरह से लिखा गया है। लिखने की इस विधि को ही क्या कहा जाता है? लिपि। परिभाषा अंडरलाइन करेंगे, भाषा के लिखने के ढंग या विधि को क्या कहा जाता है? लिपि। और बोलने की क्रिया को कहा जाता है? बोली। मुख्य बात, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए भारत में प्रत्येक 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी मानते हैं। अब है इन सब का मिला जुला रूप है व्याकरण, मतलब इन सब के मेल से क्या बनता है? व्याकरण। क्या आप कोई नई भाषा सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है? नहीं ना। आप किसी नई भाषा को सुनकर या पढ़कर तभी समझ सकते हैं जब हम उस भाषा को सीखेंगे, नहीं तो हमें सिर्फ आवाजें ही सुनाई देगी या कुछ लिखा है यह पता चलेगा। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके शब्दों को जानना होगा, फिर उसके वाक्य को हमें की रचना को भी जानना होगा। इन सब का ज्ञान हमें क्या कौन कराएगा? इन सब का ज्ञान हमें करवाएगा व्याकरण। तो हम आज व्याकरण के विषय में भी पढ़ेंगे। नीचे देखिए उदाहरण दिए गए हैं, बच्चों को खिलाओ छीलकर केला, आशीर्वाद दादाजी ने दिया। अब इन वाक्यों को पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि ये वाक्य सही है? अजीब से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। हम इसको इस तरह ना पढ़ के कैसे पढ़ेंगे? बच्चों को केला छीलकर खिलाओ, दादाजी ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ वाक्यों में सुधार करने से वाक्य का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो जाता है। भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, इन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने लिखने में होने वाली अशुद्धियों को ठीक किया जाता है। भाषा, इन नियमों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? व्याकरण से प्राप्त होती है।
भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाले शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिन्हें जो पाठ्य पुस्तक के हैं उन्हें आपको पाठ्य पुस्तक में करने हैं, और जो उत्तर पुस्तिका के प्रश्न हैं आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं। देखिए, पहला प्रश्न, सही और गलत का निशान लगाइए। लिखना भाषा का मौखिक रूप है, हाँ या ना? गलत। लिपि भाषा को लिखने के लिए एक विधि है, हाँ। भोजपुरी क्षेत्रीय बोली कहलाती है, हाँ। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से मिलती है, हाँ। भाषाओं को सही लिपि पर, जो सही लिपि है उन पे हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। संस्कृत की देवनागरी लिपि, सही। पंजाबी में बांग्ला बोली जाती है? नहीं। क्या बोली जाती है? गुरुमुखी। तो हम किस पे टिक करेंगे? गुरुमुखी पे। अंग्रेजी रोमन या देवनागरी? रोमन। देवनागरी किसकी भाषा है? हिंदी की। उर्दू में फारसी या बांग्ला? उर्दू की भाषा कौन सी कहलाएगी? फारसी। और बांग्ला किसकी हो जाएगी? बंगाली की। जर्मन, जर्मन की भाषा रोमन और बंगाली की बांग्ला। दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए, हम आज ही दिल्ली जाऊंगा। क्या ये वाक्य सही है? नहीं। सही वाक्य हमारे पास होगा, हम आज दिल्ली जाएंगे। बकरी को काटकर गाजर खिला दो। क्या बकरी को काटकर गाजर खिलाते हैं या गाजर को काटकर बकरी को खिलाते हैं? तो वाक्य क्या बनेगा? बकरी को गाजर काटकर खिला दो। मेरे को तुम्हारे साथ जाना है, ये शब्द हम बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, जबकि ये शब्द बिल्कुल गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? मुझे तुम्हारे साथ जाना है। वे लौट आया, तो इसका क्या हो जाएगा? वे लौट आए। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, जिनको हम इस तरह से पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? अपने भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसके कितने भेद होते हैं? इसके कितने? दो भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा की परिभाषा और मौखिक भाषा की परिभाषा। इसके अतिरिक्त हम क्या लिखेंगे? बोली और भाषा में अंतर। बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, और भाषा कहाँ होती है? भाषा का स्तर बहुत बड़ा होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब इस सभी कार्य को हम कैसे करेंगे? अपने नवीन उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करेंगे और शनिवार तक विद्यालय में भिजवा देंगे। उससे पूर्व अपनी जो पाठ्य पुस्तिका है उसका पहला प्रथम पृष्ठ आप छोड़ेंगे, जिसमें आप पाठ का नाम, मतलब आप सारणी बनाएंगे, और वो सारणी नियमित रूप से दिनांक के साथ भी लिखी जाएगी, क्योंकि मैं उसे भी साइन करूंगी। धन्यवाद।